जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की थीम पर केंद्रित विशेष एनएसएस शिविर का हुआ आयोजन, जहां डॉक्टर परते के मोटिवेशनल रोजगारोन्मुखी वक्तव्य के साथ प्रतिभागी छात्राओं ने सुना प्रधानमंत्री की मन की बात। शासन की मंशा अनुरूप प्रचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे के मार्गदर्शन में महाविद्यालयीन प्रधानाध्यापक डॉक्टर पुष्पलता कमलेशिया द्वारा शहर से लगे ग्राम बोदा में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत बालिका वर्ग का विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में विशेष तौर पर आमंत्रित अतिथि नोडल ऑफिसर पशुपालन परियोजनाएं तथा अतिरिक्त उपसंचालक डॉक्टर घनश्याम परते ने अपनी चीर परिचित शैली में बच्चों से रूबरू होते हुए उन्हें अध्ययन और रोजगार के महत्व को समझाया। शिविर में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया गया, जिस पर आयोजित विशेष क्विज कंटेस्टेंट में विजेता प्रतिभागी छात्राओं को पारितोषिक स्वरूप एक एक पेन तथा नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया गया। उस बंदे ने कॉलेज छोड़ के अपनी चाय का काम शुरू किया घर में, और चाय का काम शुरू करके आज की स्थिति ये है कि वो करोड़पति चाय वाला हो गया। एमबीए चाय वाला जो बोलते हैं वो करोड़पति चाय वाला हो गया। उसको फॉलो कर करके बहुत सारे लोगों ने अभी जो कोई ग्रेजुएट चाय वाला शुरू कर लिए, कोई बीए चाय वाला शुरू कर लिए, कोई एमबीए कोई एमए चाय वाला शुरू कर दिए, बहुत सारा कर दिया, उसने पकौड़े वाला शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये था, सिर्फ किताबी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है, तो आज से ये प्रण करें, आज से संकल्प लें कि अब से मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा दूसरा काम करना है। एनसीसी का या एनएसएस का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पीछे मेन उद्देश्य ये रहता है कि आप इस एजुकेटिव सिस्टम में जो हमारा चल रहा है शिक्षण संस्था, इससे हटके कुछ और सोचना शुरू करें। क्या हम कुछ रोजगार से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं? तो आपको यह करना है, ऐसा काम साथ में शुरू करना है जो आप कर सकते हैं आसानी से। मान लो यदि आपके पास बकरियां हैं घर में, आप यह कोशिश करो कि उस बकरियों का प्रबंधन अच्छे से करना शुरू कर दो। पहले बुक्स का नॉलेज लो, आप डिपार्टमेंट में आके संपर्क करो, वेटनरी हॉस्पिटल्स में आके संपर्क करो, कुछ आप गूगल भाई से पूछो कि भैया बकरी को कितना खाना खिलाते हैं, वो गूगल भैया बता देगा। बकरी को पानी कितना खिलाते हैं वो भैया बता देगा। कौन सा इंजेक्शन कब लगाते हैं वो आपको बता देगा। दवाइयों की बारी आती है, अस्पताल के पास में। यदि आपके पास गाय है, यदि आपके पास भैंसे हैं, आप उसका प्रबंधन शुरू कर दो। मैनेजमेंट पशुपालन का कार्य, कृषि का कार्य हमारे जो दादा नाना काका मामा बुआ पापा जो भी कर रहे हैं, ये सोचिए कई सालों से सदियों से करते चले आ रहे हैं। फर्क क्या आ रहा है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जब हरित क्रांति हुई, तो उसमें जो उत्पादकता आ रही थी उसकी उत्पादकता में कैसे बढ़ोतरी किया गया, उसका साइंटिफिक टेक्निक उसमें यदि आपने डाल दिया तो निश्चित तौर पर उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। बाबा नंद के यहाँ पे 1 लाख गाय और 1.25 लाख भैंसे होती थी, इतनी सारी गाय इतनी सारी भैंसे थी उनके पास। पशुपालन तो वो कर रहे थे, उनके यहाँ दूध दही मही पनीर मटर सब हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक फर्क था वो ये था कि कमर्शलाइज नहीं था। मतलब यदि आप इस चीज की रिकॉर्ड कीपिंग यदि शुरू कर दे, कोई भी काम आपके घर में कुछ भी हो रहा हो, अगर खेती हो रही हो, खेती का रिकॉर्ड कीपिंग शुरू कर दे, आप देखेंगे जिस समय से आप रिकॉर्ड कीपिंग शुरू कर देंगे आपको एहसास हो जाएगा कि आपका गड़बड़ कहां जा रहा, मतलब पैसा आपका कहां वेस्टेज हो रहा। यह छोटा या बड़ा नहीं होता, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। अब्राहम लिंकन का नाम किसी ने सुना? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।